नमस्ते गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप टेलीग्राम पर अपना यूट्यूब अपलोडर बॉट कैसे बना सकते हैं। इस बॉट की मदद से आप किसी भी टेलीग्राम वीडियो या फाइल को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे क्रिस्टी रॉय को अपने इस शानदार रिपो के लिए। उन्होंने ही हमें इस रिपो को दिया है। आप इन्हें जाकर गिटहब पे फॉलो कर सकते हैं। इनका उनके आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वेब पेज ओपन करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको नीचे आना है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, बॉट टोकन चाहिए होगा, आपको सेशन नेम चाहिए होगा, API ID, API हैश, API क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट, बॉट ओनर और ऑथराइज्ड यूज़र। ठीक है, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे और आपको क्लिक करना है डिप्लॉय ऑन हीरोकू। तो हम इसे ओपन करेंगे। नेक्स्ट पेज। तो हमारा पेज ओपन हो चुका है। तो अब आप अपने बॉट को नाम देंगे। मैं जैसे नाम दे देता हूँ यूट्यूब। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो नाम है वो स्मॉल लेटर्स में ही हो, शॉर्ट कैपिटल लेटर्स ना हो उसमें कोई भी, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आपको इसमें ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें API हैश डालना है। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट कर ली है, तो मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है। ये आपको अपने बार्स कैसे मिलेंगे इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। API हैश, API ID वगैरह आपको कैसे मिलेगी, उन सब वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और आपको आती है पहले से, तो वेल एंड गुड। हम API ID अपनी लेंगे, कॉपी करी। ऑथराइज्ड यूज़र का मतलब है ऑथराइज्ड यूज़र्स वो होते हैं जो आपके बॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी ID डालेंगे, या आप क्या जिस भी इंसान से आप अपनी अपने बॉट को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं उसकी ID यहाँ पर डाल सकते हैं कॉमा डालकर। अगर आपको एक और ID डालनी है तो ऐसे सिंपल यहाँ पर एक कॉमा डालेंगे और ऐसे उस बंदे की टेलीग्राम आईडी पेस्ट कर देंगे, तो वो भी अपने आपके बॉट को यूज़ कर पाएगा। लेकिन हमें फिलहाल सिर्फ हमें यूज़ करना है बॉट ओनर। तो बॉट ओनर में यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे बॉट टोकन डालना है। हम अपने बॉट टोकन को कॉपी करेंगे। और ये हमने उसके बाद आपको गूगल क्लाइंट आईडी आपको कैसे बनानी है और कैसे मिलेगी उसकी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। हमें गूगल क्लाइंट आईडी पेस्ट कॉपी करनी है, कॉपी करी। ये हमने गूगल क्लाइंट आईडी डाल दी। अब आपको डालना है गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ये भी आपको उस वीडियो में पता लग जाएगा। हमें बस ये कॉपी करना है, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब आपको सेशन नेम में आपको अपने बॉट का यूज़र नेम डालना है। और याद रखिए यूज़र नेम बिना एट द रेट के होना चाहिए, सिंपल बस यूज़र नेम। और अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि अपलोड मोड, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। आपकी एक बार अगर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है तो उसके बाद आप अपनी वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक कर सकते हैं। तो हम इसे प्राइवेट ही रखेंगे और हम नीचे आएंगे और डिप्लॉय ऐप पे क्लिक करेंगे। और हमारा डिप्लॉय, तो हमने इसमें एक एरर कर दिया था। हमने आप ऐप के नाम में ध्यान रखिए कि आपके ऐप के नाम में लेटर से ही शुरू होना चाहिए और लेटर से ही ख़त्म होना चाहिए। अब हम नीचे जाएंगे और डिप्लॉय करेंगे, और हमारा ऐप डिप्लॉय होना स्टार्ट कर हो चुका है। इसे डिप्लॉय होने में कुछ टाइम लगेगा, तो हम इसे वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो गाइस, हमारा ऐप डिप्लॉय हो चुका है। अब हम मैनेज ऐप पे क्लिक करेंगे, अपने ऐप को खोलेंगे। हमारा ऐप ओपन हो चुका है। सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपको अपने डाइनो को स्टार्ट करना है। तो इस पर क्लिक करके स्टार्ट कन्फर्म, हमारा बॉट स्टार्ट हो चुका है। मोर पे जाएंगे और व्यू लॉग्स को ओपन करेंगे ये देखने के लिए कि हमारा बॉट सही तरीके से चल रहा है या नहीं। तो इसमें लिखा आ रहा है स्टेट चेंज, ठीक है, स्टेट चेंज्ड फ्रॉम स्टार्टिंग टू अप। तो हमारा बॉट स्टार्ट हो चुका है। अब हम अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे।
टेलीग्राम ओपन के बाद हम अपने बॉट के पास जाएंगे और बॉट को स्टार्ट करेंगे। और देखिए हमारा बॉट काम कर रहा है। बॉट को स्टार्ट करने के बाद आपको हेल्प पे क्लिक करना है और आपको ये चीज़ें रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप YouTube वीडियो अपलोड करें तो आपका पास पहले से एक YouTube चैनल होना चाहिए, जिस भी अकाउंट को आप, तो पहले आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो आप इसको ओपन करेंगे और एक्चुअली मैं अपने अकाउंट को पहले ही वेरीफाई करवा चुका हूँ तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आप स्क्रीन पे कैसा इंटरफेस आएगा। ओपन विद क्रोम करेंगे यूट्यूब वीडियो को, ओपन विद क्रोम, और हमारा देखिए फ़ोन नंबर पहले ही वेरीफाई हो चुका है। तो इसमें कुछ नहीं है, जब आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा तो आप पे वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, आपको वो OTP फिल करना है, आपका जो यूट्यूब अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन URL पे क्लिक करना है और ओपन करना है। अब देखिए हमें ऑप्शन आ रहा है, हम अपनी आईडी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके स्क्रीन पे जो ये आपको URL आया है, आपको ये कॉपी करना है और अपने वेब पे वापस आना है। आपको ये URL पेस्ट करके यहाँ डाल देना है और आपको अपनी स्क्रीन पे लिखना है स्लैश ऑथराइज। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे स्लैश ऑथराइज और सेंड कर देंगे। तो ये एक्चुअली मैं गलती से काम नहीं किया, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी टाइप करने में जल्दी जल्दी। तो हम इसे ठीक करेंगे और भेजेंगे। और देखिए हमारा आईडी जो है वो लॉगिन हो चुकी है। अब आप इस ऐप से किसी भी टेलीग्राम वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी वीडियो लेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये वीडियो ले लेते हैं और अपने बॉट पे शेयर करते हैं। ये मैंने बॉट वीडियो शेयर करी और आपको लिखना है स्लैश अपलोड और इस वीडियो के रिप्लाई में बोलना है। और देखिए हमारी वीडियो अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए 2 सेकंड के अंदर हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और वीडियो अपलोड होने के बाद इसने हमें उसका लिंक भी दिया है वीडियो का। आपको इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो देखिए हमारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। क्लिक क्लिक ऑन ऑन ओपन, ओपन। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसे शानदार कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें।